नमस्कार दोस्तों कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मशीन कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे आज साथ ही में आज के वीडियो में वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन कंट्रोल यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे चलते हैं दोस्तों डिस्कस करने के लिए सबसे पहले समझते हैं मशीन कंट्रोल यूनिट सी में क्या होती है मशीन कंट्रोल यूनिट को कंट्रोलर यूनिट भी बोला जाता है एज द नेम इंडिकेट इसका जो बेसिक फंक्शन है वो मशीन को कंट्रोल करने का है जैसा यहाँ पे नीचे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल समझे तो जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का सीपीयू वहां पे मेनली कंट्रोल करता है लेकिन कहीं ना कहीं हमें वहां पे बटन प्रेस किए करने पड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड तो कीबोर्ड की सहायता से जब बटन प्रेस करेंगे तभी वहां पे जाकर के सीपीयू प्रोसेस करता है तो जो कीबोर्ड है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है तो उसी प्रकार से कुछ यहां पे ये मशीन कंट्रोल यूनिट होती है वो यूनिट जो मशीन को पूरी को कंट्रोल करती है क्योंकि इस मशीन कंट्रोल यूनिट की सहायता से न्यूमेरिक वैल्यू को फीड किया जाता है मशीन पे वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जैसे ड्रिलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना हमें या फिर मिलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना है क्योंकि ये जो यूनिट होती है ये केवल ऑटोमेटिक जो सिस्टम्स है उसमें लगती है यहाँ पे ऑटोमेटिक जो सिस्टम है वो है सीएनसी सीएनसी जो मशीन है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल उसके साथ में ये यूनिट लगती है यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है मेन फंक्शन ऑफ बेसिक फंक्शन ऑफ एमसीयू मशीन कंट्रोल यूनिट इज टू रीड सबसे पहले रीड करती है इंटरप्रेट करती है प्रोग्राम को जो प्रोग्रामिंग हमने की हुई है किसकी सहायता से ट तो 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 करना, करना जिसकी सहायता से जो ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है उसकी प्रॉपर प्रोग्रामिंग हो सके ये मेन फंक्शन है मशीन कंट्रोल यूनिट का देर आर टाइप ऑफ मशीन कंट्रोल यूनिट फर्स्ट टाइप इज द हाउस्ड टाइप द सेकेंड टाइप इज स्विंग टाइप एंड द लास्ट वन इज स्टैंड एक सबसे पहले हाउस अगर हाउस्ड की बात करें तो एक हाउसिंग जैसे एसी मशीन है एसी भी एक प्रकार की मशीन है तो एसी से मीनिंग एयर कंडीशनिंग सिस्टम तो जो विंडो टाइप एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो एक ही हाउसिंग में रहता है सभी जो कंपोनेंट्स हैं वो एक ही हाउसिंग में इनबिल्ट रहते हैं जबकि स्प्लिट जो ए रहता है उसमें हाफ वाल के अंदर रहते हैं हाफ आउटसाइड के होते हैं तो ये हाउस जो है टाइप में जो मेनली एसी है विंडो टाइप कुछ उसी प्रकार से रहता है एक साइड से एयर हवा देना ठंडी और दूसरी साइड में उसके बटन रहते हैं मशीन कंट्रोल यूनिट रहती है तो उस यूनिट को कंप्लीट को जो कंट्रोल करता है वो साइड में जो बटन रहते हैं वो कंट्रोल करते हैं तो सेम उसी प्रकार का ये है तो ये जो टाइप रहती है हाउस टाइप इस मशीनिंग सिस्टम को हम लोग हाउस टाइप क्यों बोलते हैं क्योंकि एक सेपरेट बॉडी में कंप्लीट सिस्टम होता है जो मशीन रहेगी उस मशीन के साथ में ही जो उसका मान लीजिए हमारे पास लेथ मशीन है मैनुअल मशीन तो मैनुअल हेड स्टॉक है वो मेन सभी फंक्शन करता है तो हेडस्टॉक जो सारे कंप्लीट फंक्शन करता है तो वहां पे मूविंग के लगे रहते हैं। तो उसी प्रकार से एक तरफ ये जो मशीन है पूरी कंट्रोल कंप्लीटली वेरियस इसमें होते हैं, वो मूव करते हैं स्लाइड करते हैं और उसके फ्रंट में सामने की तरफ एक साइड में यानी लेफ्ट साइड में मोस्टली ये एमसीयू लगी रहती है इसीलिए इसको हाउस्ड एमसीयू बोलते हैं मींस मशीन कंट्रोल यूनिट बोलते हैं जैसा दूसरे वर्ड्स में बात करें तो ये मशीन पे ही डायरेक्टली माउंटेड रहती है यानी मशीन के साथ में अटैच रहती है मशीन के अंदर ये माउंटेड रहती है दूसरी जो टाइप है वो है स्विंग टाइप एज द नेम इंडिकेट जिसको स्विंग किया जा सके जिसको घुमाया जा सके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेटर जो ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है जो ऑपरेटर की पोजिशन है जिस भी तरफ ऑपरेटर मूव करेगा जो उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है वो जैसे ही मूव करेगा तो उसके मूविंग के अकॉर्डिंग वो राइट साइड मूव कर रहा है वो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो उसकी मूविंग के अकॉर्डिंग तो यहां पे हम इसको मशीन कंट्रोल यूनिट को स्विंग कर सकते हैं तो ऑपरेटर आसानी से अपनी बेस्ट पोजीशन के हिसाब से इसको स्विंग कर सकता है घुमा सकता है स्विंग का मीनिंग यही है किसी भी तरफ इसको घुमाए तो घुमा सकता है मशीन के साथ में और आराम से इसको ऑपरेट कर सकता है सो दैट्स वाई इट्स नेम इज स्विंग टाइप मशीन कंट्रोल यूनिट इसी में जो लास्ट टाइप है तो वो है स्टैंड टाइप उससे पहले इसका कंप्लीट जो मशीन है इस मशीन का फिगर देख लेते हैं हम कि किस प्रकार से ये साथ में लगी रहती है और वो साइड में लगा के आराम से उसको स्विंग किया जा सकता है यहां ये देखिए दोस्तों एक सीएनसी मशीन है और यहां पे ये स्विंग टाइप एमसीयू लगी हुई है स्विंग टाइप मशीन कंट्रोल यूनिट लगी हुई है ये स्विंग टाइप जो मशीन कंट्रोल यूनिट है इसको आसानी से हम मूव कर सकते हैं किसी भी तरफ अकॉर्डिंग टू वर्कर्स पोजीशन ऑपरेटर्स पोजीशन लास्ट की हम बात कर रहे थे स्टैंड टाइप की स्टैंड टाइप से मीनिंग इसका एक सेपरेट स्टैंड होता है मशीन साइड में रहती है कुछ इसी प्रकार से फंक्शन रहता है जैसे स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनिंग सिस्टम का होता है अगर हम बात करें स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनिंग सिस्टम की तो स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनिंग सिस्टम में क्या होता है आउटसाइड ऑफ वॉल कुछ कंपोनेंट रहते हैं जैसे कंप्रेशर और इनसाइड ऑफ वॉल जैसे इवेपरेटिंग क्वाइल तो उसमें दोनों पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग कर दिए जाते हैं इसमें जो हाउस टाइप थी उसमें तो सभी चीजें एक साथ थी मशीन भी और मशीन कंट्रोल यूनिट भी लेकिन इसमें क्या होता है स्टैंड टाइप में एक अलग से सेपरेटली मशीन कंट्रोल यूनिट लगाई जाती है उसका एक स्टैंड रहता है और स्टैंड के अंदर ही ये मशीन कंट्रोल यूनिट फिट होती है और वहां से जो वायरिंग सिस्टम है उसके थ्रू फिर ये मशीन के साथ में जुड़ी रहती है ताकि उस मशीन को ऑपरेट कर सके उस मशीन को रन कर सके जो पर्टिकुलरली यहां से हम प्रोग्रामिंग करेंगे मशीन कंट्रोल यूनिट की सहायता से जो बेसिक हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे जो इसमें कमांड देंगे मशीन को कि हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें वहां पे मान लीजिए मिलिंग मशीन का वहां पे स्लॉट का तो वो कटिंग है वो करने के लिए, इस unit, और यहां से हम उसमें कमांड देते हैं और कमांड देने के बाद फिर वो स्लॉट की कटिंग करता है इसी प्रकार ड्रिलिंग करनी है तो इसमें मेनली हम जो बात करें जैसा एज द नेम इंडिकेट्स इट सेपरेट स्टैंड सेपरेट स्टैंड टाइप यूनिट तो सेपरेट इस मशीन से बिल्कुल अलग है और साथ ही में जो इसको इंस्टॉल्ड किया जाता है वो अलग से किया जाता है लेकिन मशीन के नजदीक हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये होती है स्टैंड टाइप तो ये थी दोस्तों हमारी मशीन कंट्रोल यूनिट जिसका मेन फंक्शन होता है मशीन को कंट्रोल करने का विद द हेल्प ऑफ वेरियस न्यूमेरिकल वेल्यूज तो न्यूमेरिकल वैल्यूज की सहायता से हम कंप्लीट सिस्टम को कंट्रोल करते हैं इसके अलावा हाउस टाइप हाउस टाइप सेम जैसा मैंने बताया विंडो टाइप ए की तरह रहता है एक ही जो हाउसिंग है उसमें कंप्लीट चीजें लगी रहती है वही मशीन कंट्रोल यूनिट लगी रहती है स्विंग टाइप में इस मशीन कंट्रोल यूनिट का जैसे फिगर में देख पा रहे इस प्रकार की मशीन कंट्रोल यूनिट रहती है इसको हम स्विंग कर सकते हैं घुमा सकते हैं किसी भी तरफ अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर पोजीशन अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर रिक्वायरमेंट और लास्ट जो है वो है स्टैंड टाइप स्टैंड टाइप में मशीन से सेपरेट अलग इसका स्टैंड रहता है जैसे स्प्लिट एसी का ये थी दोस्तों एमसीयू मशीन कंट्रोल यूनिट थैंक यू दोस्तों